माय चैनल और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके लिए लव कैरियर जॉब। ठीक है, ये तीनों चीज पे हम लोग रीडिंग करेंगे आज। तो चलिए, यहाँ पे तीन पाइल है, पाइल वन कॉफी मग, पाइल टू मनी बैग एंड पाइल थ्री सेलिब्रेशन। तो आपको जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो वो कार्ड आप चुन लीजिए, फिर हम आपके लिए रीडिंग करेंगे। तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो पाइल वन है ये, पाइल टू, पाइल थ्री। तो पाइल वन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, हेलो पाइल वन, जिन्होंने पाइल वन चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड आते हैं। चलिए पहले लव के कार्ड्स देख लेते हैं कि लव में कैसा रहने वाला है आपका समय। ओके, द वर्ल्ड, मैजिशियन, ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, करियर, ओके, धाम, ओके, एंड जॉब। तो स्पेस के लिए, चलिए जॉब के लिए कार्ड्स निकालते हैं आपके। ठीक, जॉब में क्या आने वाला है। ओके, वर्ड ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी ज्यादा है जॉब में, इट्स अ गुड न्यूज। ओके, सेवन ऑफ स्वॉन्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो पहले प्यार की बात करते हैं आपके लव लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आपका एक फेज बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ लोग का कह सकते हैं एक फेज बहुत अच्छा। अगर जो कपल में है, पार्टनर में है, आप अपने साथ अपने पार्टनर के साथ हैं, तो आपका एक फेज अभी बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा चल रहा है अपने पार्टनर के साथ। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी चाहते हैं इस बॉन्ड को आगे बढ़ाना और आप भी, और कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोग आगे की। ठीक है, ऐसा नजर आ रहा है जो लोग सेपरेशन में थे। ठीक है, अभी तक सेपरेशन में चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका जो भी फेस चल रहा है एक, अब वो फेस खत्म होने को है। ठीक है, एक साइकिल जो उन्होंने अभी तक बहुत पेन फेस किया है, अभी तक अपने पार्टनर से दूर रहे हैं, तो अब वो फेस कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो अब वो फिनिश होते हुए नजर आ रही है, एंड फिर एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत प्लानिंग प्लानिंग चल रही है, कहीं अभी रेस्ट पोजीशन में है, हो सकते हैं उनके पार्टनर हो, सोच रहे हैं कि उन्हें क्या स्टेप लेना है, और हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हो कि अब उनको, अब जो हो गया हो गया, अब उनको आगे क्या करना है, कि क्या उनको वेट करना है अपने पार्टनर के लिए, या उनको नेक्स्ट स्टेप लेना है, आगे लाइफ में मूव ऑन करना है, कि क्या करना है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन भी मुझे लव में दिखाई दे रही है, जिन्होंने ये पाइल चूज की है, पाइल वन। ठीक है, और मैजिशियन भी है यार, ये देखिए मैजिशियन मुझे ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपके ऊपर कैपेबिलिटी है, आपकी एबिलिटी है, आप चाहो, ये सारा डिसीजन आप पे निर्भर करता है कि आप वेट कर सकते हो उनका या आप मूव ऑन करते हो। क्योंकि अगर आप वेट करते हो तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सही है, अगर आप मूव ऑन करते हो तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, वेट थोड़ा ज्यादा करना पड़ सकता है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही भरोसा कर सकते हैं इसमें, कि जैसे कि ये देख सकते हैं ये जो साइन है डिवाइन का, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि डिवाइन टाइम पे आप कितना वेट कर सकते हैं, ये भी बात आती है। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए तो जो भी आप डिसीजन लेते हैं, गॉड आपके साथ हैं, ये है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप वेट करना पसंद करेंगे तो आपके लिए वो भी फेवरेबल होगा, आप मूव ऑन करना पसंद करेंगे, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, बहुत अलग अलग लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पाइल वन चूज की है, तो मैं बता दूं कि आपका जो भी डिसीजन होगा, कहीं ना कहीं एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको फेवर करेंगे आपके जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको पाने में। ठीक है, अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो रिलेशनशिप में। अब देखते हैं कैरियर में क्या आने वाला है आपके। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ लॉस हुआ है इन पास्ट, या कैरियर में आप मतलब कुछ अभी
रास्ता नहीं देख पा रहे हैं, तो हमें आपको कुछ देखने की जरूरत है, हो सकता है आप करियर में कुछ एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपके लिए कई ऑप्शन है लेकिन आप नहीं चेक कर रहे हो, तो ये एडवाइस है आपके लिए कि आप देखिए आपके लिए शायद और ऑप्शन है, आपको क्या करना चाहिए इस तरह का। और मुझे ऐसा लग रहा है करियर में आपको जो बहुत पसंद हो, आपके दिल से जो आ रहा है काम करना, जो आपको अच्छा लगता हो, आप उसमें रिगार्ड आया कि आप उसमें करियर अपना, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बहुत अच्छा जॉब की बात अभी बाद में करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको जो बहुत अच्छा लगता है, आपके दिल से आ रहा है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए। अगर हो सकता है आपको करियर में पहले आपने बहुत कोशिश की हो, उस तरह से रिजल्ट नहीं मिला है आपको, ठीक है, आपने कोशिश की, एग्जाम वगैरह दिया हो या कुछ भी करियर में आपने कुछ किया हो, बट आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिला कहीं ना कहीं, तो आप बहुत उदास मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, जो लॉस हुआ है आपका, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड इस तरीके इसलिए आया है कि ये एडवाइस आपको मिल रही है कि आप वो करो जो आपको पसंद है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, जो कि उसमें आपका इंटरेस्ट है। तो आपके लिए ये कार्ड है कि आप प्लीज एक्सप्लोर करो कि और क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, और चेक कीजिए कि आप देखिए आजकल क्या हो गया, इतना मॉडर्न हो गया ना कि आप बस आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और ये जो तीन ऑप्शन हमेशा रहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वकील वगैरह नॉन, तो यही तीन ऑप्शन सिर्फ नहीं है लाइफ में, आजकल आप कुछ भी चाहो तो कर सकते हो, आपको जो पसंद है, और उसको इतनी शिद्दत से करिए ना, उसको आगे ले जाइए कि आप उसमें अपना करियर बनाइए उस फील्ड में, ठीक है। तो कोई भी चीज कीजिए, बस इतने शिद्दत से कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पता है आप कुछ भी कर सकते हो, बस उस पर लग जाओ बस एकदम से। नहीं होती, जरूरी नहीं सब पढ़ाई करे, सबसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, बट आपको जो पसंद है आप उसमें अपना करियर बनाओ, इसलिए ये कार्ड आया है। एक्सप्लोर कीजिए आप क्या कर सकते हैं, जानने की कोशिश कीजिए और आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे ये नहीं हो पाया तो और क्या चीज है जो आप कर सकते हैं, ये आया है आपके लिए एडवाइस। एंड चलिए देखते हैं, और जॉब जॉब की बात करें तो काफी अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ जॉब के लिए, हो सकता है कि जब आप जॉब करें, जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो लोग जॉब करेंगे इन फ्यूचर, तो कहीं ना कहीं उनकी अर्निंग दो दो तरीके से मुझे ऐसा लग रहा हो रही है, मतलब दो जगहों से आपकी अर्निंग होने वाली है, आपकी कहीं ना कहीं अर्निंग या फिर दो भी हो सकती है तो कई हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लग रहा है कि आपकी अर्निंग कहीं ना कहीं दो जगह से, तीन जगह से, चार जगह से, मतलब दो तो है कि आप लोग की अलग अलग तरीके से अर्निंग हो सकती है। चार जो फोर ऑफ पेंटिकल आया है, ये देख सकते हैं फोर क्वाइंस, तो ठीक है ये मुझे बता रहा है ग्रीडी मत होइएगा, ये भी ये कार्ड बताता है, और कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस का मनी भी आपको मिल रहा है, या तो आप बहुत पैसे कमाने वाले हो इन फ्यूचर, इतना होगा कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी वगैरह बना लोगे आगे जाकर, इस तरह का कोई जॉब करने वाले हो जिसमें आप आगे जाके अपनी खुद प्रॉपर्टी वगैरह खरीदोगे, बनाओगे, ठीक है, कई जगह से पैसा आने वाला है, ठीक है, इस तरह का जॉब है, और कहीं ना कहीं बहुत ऊंची पोस्ट पे रहेंगे, एंड अपनी अपनी जॉब आप प्रोटेक्ट करोगे, अपनी जॉब आप प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि उस जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, बट आप चाहते हो कि ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही रहे, कहीं ना कहीं ये जॉब मेरे हाथ से ना जाए, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कैंडिडेट्स काफी रहेंगे, और अपने आप अपने जॉब को डिफेंड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, इस कार्ड में ऐसा बता रहा है, आप नहीं चाहते वो जॉब कहीं भी किसी के हाथ में जाए, आप ही के पास है हमेशा, तो इस तरीके से आप फाइट भी करोगे लोगों से, एंड इस तरह की जॉब मुझे नजर आ रही है, काफी अच्छी पोस्ट पे होगी लग रहा है, और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बनाओगे, और दो जगह से आपकी अर्निंग आते हुए नजर आ रही है मुझे। तो ये थे आपके कार्ड्स, अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज लाइक माई प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। जिन्होंने ये पाइल टू चूज किया है, मनी बैग, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं कि क्या आए हैं, लव में देखते हैं आपके लिए क्या है, द लवर्स, नाइस कार्ड, ओके, एज ऑफ कप्स, द फूल, बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए लव वाला, चलिए इसकी रीडिंग अभी करेंगे, पहले कैरियर भी देख लेते हैं, कैरियर में क्या है आपके लिए,
वाओ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइस कार्ड। और देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, टू कार्ड्स अपने आप आ चुके हैं, पेज ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाओ नाइस कार्ड। ओके, उरुड की कार्ड्स आ रहे हैं, 3-4 कार्ड्स। चलिए एक दो आते तो हम लोग ले लेते, बट यहाँ पे कई कार्ड्स आ गए हैं तो चैरियट। ओके ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड। ओके, 5 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 की एनर्जी। इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिख सके आपके कार्ड्स। चलिए तो लवर्स, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी ज्यादा आ रही कि आप जो भी हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आप लोग लवर्स हो, ठीक है, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं काफी लोग आप में से। और ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर, कुछ लोगों की बात करूंगी, कुछ लोग के पार्टनर मूव ऑन किए हैं, ठीक है, रिलेशनशिप से मूव ऑन कर दिए हैं, चले गए हैं छोड़ के कहीं ना कहीं। बट आपके लाइफ में द फूल कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई न्यू पिकनिक होने वाली है। द सन का कार्ड भी है ना, आप लोग फिर से प्यार में पड़ने वाले, हो सकता है उसी पार्टनर के साथ। चलिए मैं तीनों का बता देती हूँ, ठीक है, सेपरेशन वाले, सिंगल वाले एंड जो कपल में है वो। तो कपल में है तो आप सुन लीजिए, आप तो लवर्स हुई और आपके लाइफ में मुझे लग रहा है एक न्यू बिगिनिंग भी आने वाली है। आप लोग साथ में आ गए, कुछ नया करने वाले, कुछ न्यू स्टार्ट, हो सकता है बॉन्ड को कोई नाम देने वाले हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू ईयर आने वाला है, तो हो सकता है आपके लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और बहुत अच्छी चीजें आओ, ठीक है। आप उनकी बात करते हैं जो सेपरेशन में है, तो द लवर्स, आप लोग लवर्स हो और जिन्होंने पाइल टू चूज किया, बहुत लकी है आप लोग लवर्स हो, ठीक है ना, और आपने कहीं कहीं ना कहीं पार्टनर मूव ऑन किया है, ठीक है, मूव ऑन किया है, बट आपके लिए एक न्यू बिगनिंग आ रही है, आप लोग फिर से प्यार में गिरने वाले हो एंड उन्हीं के साथ हो सकता है, बहुत चांसेस है, चूंकि लवर्स हैं, कहीं भी जाएंगे उनको उस तरीके का प्यार उनसे नहीं मिल पाएगा जिनसे आप, जिसे आपसे मिलता है, ठीक है, कहीं ना कहीं चांसेस है वो वापस आएंगे, चूंकि यहाँ पे सन भी है फूल में, ठीक है, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव कार्ड भी बहुत है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग आने वाली है। फूल के हाथ में हम देख सकते हैं कैसे एक फ्लावर है और मस्ती में अपने बस आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, इस तरीके से लग रहा है। तो ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, बस आगे बढ़ते रहिए, आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ है, कोई प्यार लिखा हुआ है आपके लिए, ठीक है, तो हो सकता है चांसेस काफी है जो सेपरेशन में है उनका पार्टनर वापस आ जाए, चूंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं लव में। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सिंगल है तो आपके लिए तो गुड न्यूज है ही, सिंगल्स आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा आपका पार्टनर आने वाला, आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो आपका पार्टनर आ रहा है तो वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। हो सकता है ये नवंबर दिसंबर या फिर न्यू ईयर, न्यू ईयर में मुझे लगता है आपकी कुछ नई शुरुआत होगी। हो सकता है अभी आप लोग कुछ लोग किसी से चैटिंग वगैरह, मैसेजिंग वगैरह भी कर रहे होंगे रिलेशनशिप में, आगे बस आपको लग रहा पता नहीं वो मुझे प्रपोज करेगा या नहीं करेगा, या फिर हमारी आगे बात बनती है कि नहीं, तो लग रहा है कि न्यू ईयर में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है, कुछ तो बदलाव आएंगे आपके लिए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की बात करते, सॉरी कैरियर की बात करते, जिसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि गुड लक आने वाला है आपके लिए करियर में, करियर बहुत अच्छा होने वाला है आपको। अगर अभी तक आपका करियर रुका था, आपको समझ नहीं आ रहा था आपको क्या करना है आगे, तो करियर में काफी काफी बेहतरीन और बहुत पॉजिटिव आपके लिए आ रहा है, गुड लक आ रहा है आपके लिए, गुड फॉर्च्यून है ये, ठीक है। व्हील ऑफ पेंटिकल, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पेशेंस रखने को कहा जा रहा है, पेशेंस रखिए, और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस तरह से मनी आने वाली है, किसी ना किसी तरीके से आप इनकम करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मनी का सोर्स मुझे दिख रहा है आपके लिए करियर में। हो सकता है कि आप कुछ जरूरी नहीं है कि स्टडीज के थ्रू ही, बस स्टडीज के थ्रू कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो कि यहाँ पे देखिए बुक्स वगैरह भी हैं, बट बुक्स ऑल सबने बुक पकड़ रखी है, ठीक है, ऑल आर स्टडिंग राइट, रीड बुक्स,
तो कहीं ना कहीं बुक्स के जरिए भी हो सकता है आप लोग स्टडी में करियर के अपने स्टडीज के थ्रू कोई करियर आप बनाओ, या तो हो सकता है कुछ लोग यूट्यूबर ही बन जाएं, या फिर कुछ कुछ अलग कर रहे हों, कुछ डिफरेंट कर रहे हों, और कुछ ना कुछ दिख रहा है यंग एज में। यंग एज के मोस्टली मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि जो देख रहे हैं ये पैल चूज किया है यंग एज में ही है कहीं ना कहीं, और अपने करियर के बारे में थोड़े परेशान हैं, बट पेशेंस रखने की जरूरत है। आगे इन फ्यूचर आपके लिए काफी अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्यों ना सो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे होने वाले हो, ठीक है? जिसमें आप वो बहुत कहते हैं ना अभिमानी होंगे, अपने उसूलों वाले होंगे, और जैसे लग रहा है कि हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है कुछ लोगों की, और कहीं ना कहीं आप अपने रूल्स चलाने वाले में से कहीं ना कहीं लग रहे हो। लोग आपकी रूल्स मतलब आपकी सुनने वाले होंगे, बहुत लोग होंगे जो आपके सामने झुकेंगे और आपकी सुनने वाले होंगे, इस तरीके से लग रहा है मुझे। जिस तरह से ये क्वीन ऑफ सोर्ट्स आया है, उन्होंने कार्ड सोर्ट्स पकड़ रखे हुए और आदेश देते हुए यहाँ नजर आ रही है मुझे, इस तरह का कुछ आ रहा है आपके लिए करियर हो सकता है इन फ्यूचर। अगर हो सकता है अभी तक आपने इस बारे में नहीं सोचा, तो आप सोच सकते हैं इस एरिया में भी, तो इसलिए हो सकता है ये कार्ड आया हो आपके लिए, ठीक है? अगर आप लोग सोच सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर मन में आ रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं चांसेस नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपने वो एरिया एक्सप्लोर नहीं किया है तो करिए, ठीक है? कोशिश करिए, एक बार ट्राई कीजिए, जो कि कार्ड आया कहीं ना कहीं। और जो लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो चांसेस मुझे लग रहे हैं कि बहुत चांसेस हैं आप लोग के कि गवर्नमेंट जॉब लगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ ही गया है, तो कहीं ना कहीं आगे जो भी होगा आपके आपका लक काम करने वाला है उसमें काफी हद तक। और चलिए करियर की बात करते हैं, तो चैरियट हो सकता है कुछ लोग का ट्रांसफर हो जाए, या फिर कुछ लोग का बहुत जल्दी आपको प्रमोशन हो, आप बढ़ते हुए कहीं, ये जैसे देख रहे हो चैरियट कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आप मुझे, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है वो जो लोग जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन हो, ठीक है? या फिर कुछ लोग अपनी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं कि अब ये जॉब में मुझे इतना नहीं मिल रहा है, या फिर ऐसा कुछ मुझे जॉब चेंज करना है कुछ भी इस तरह का, तो बहुत फेवरेबल लग रहा है। कोई लोग कुछ लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, इस तरह का मुझे कार्ड नजर आ रहा है। आपके एनिमीज दिख रहे हैं मुझेगा, ठीक है? आपके एनिमीज दिख रहे हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपके आपकी पर्सनालिटी काफी अच्छी है, लोग आपके आसपास काफी जलने वाले, और आपसे कह सकते हैं कि एनिमी है आपके पीठ पीछे बात करने वाले दिख सकते हैं, जहां आप जॉब कर रहे हो, या फिर हो सकता है जहां जॉब करो आप इतने अच्छे इतने काबिल हो अपने काम में और इतने आगे बढ़ रहे हो, तो कुछ जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो कुछ लोग हैं जो पीछे जलने वाले होंगे आपसे, इस तरह का कार्ड मुझे आ रहा है नजर, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा चैनल न्यू व्यूअर्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना? और थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट फाइल की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने ये सेलिब्रेशन का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं, और किनारे कर देते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। कुछ ज्यादा ही उड़ के आ रहे हैं, इन्हें रख लेते हैं, ये दो कार्ड है इन्हें ले सकते हैं हम। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये लव के लिए है, ये लव के कार्ड्स हैं। पहले तो लव के कार्ड्स हम देखने वाले हैं। वन मोर, वाओ नाइस कार्ड। चलिए अब देखते हैं करियर में क्या है आपका। यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है, फोर ऑफ कप्स आया है, सिक्स ऑफ कप्स आया है, कप्स की एनर्जी ज्यादा लग रही है यहाँ पर, वाटर एनर्जी। ओके करियर में सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके नाइन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ मतलब लव में जिस तरह की कप की एनर्जी आ रही है, इमोशंस वगैरह, एंड इसमें करियर में पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, काफी अच्छा। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, चलिए और देखते हैं। जॉब टेम्परेंस, वाओ नाइस कार्ड, नाइस एंड पॉजिटिव कार्ड, बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। दी चैरियट, ओके मेजर अरकानाज आ रहे हैं आपके में, ठीक है? ओके ये खुद ही गिरा है, तो चलिए ले लेते हैं डेथ का कार्ड, ठीक है? वन मोर द एम्प्रेस, वाओ आपके लिए स्पेशली ये कार्ड गिरा है, सब में तो तीन तीन आते हैं, आपके लिए स्पेशली ये कार्ड्स गिरे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका कोई मतलब होगा। और एंड जॉब के लिए तो मेजर अरकानाज आए हैं, वाओ
इट्स लाइक बहुत वाव कार्ड्स हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। पाइल थ्री, मुझे तो ऐसा लग रहा है सेलिब्रेशन का ही आपने कार्ड चुना है, तो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का कुछ होने वाला है। ठीक है, इसमें भी कप्स है, टू कप्स है। ठीक है, कप्स की एनर्जी लव में काफी है, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, ओके, कहीं लग रहा है कि आपके आपके लव लाइफ में कोई डिवाइन डिवाइन वर्क करने वाला है और आपको कुछ दे भी रहा है, आपके लाइफ में कुछ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देखिए ये वाली पायल के लिए मैं इतना ही कहूंगी, अगर कपल हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके कपल है तो डिवाइन काम कर रहा है कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में, और आपको आपके गोल तक, जो भी आपका है गोल, ऑब्वियसली मैरिज होगा, इंगेजमेंट होगा, आपका गोल ही होगा कि आप अपने पार्टनर से ही शादी करें कपल्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिवाइन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, डिवाइन आपके पीछे काम कर रहा है कहीं ना कहीं। और कुछ लोग का मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सेपरेशन में है, हो भी सकते हैं सिंगल भी हो सकते हैं, सेपरेशन सिंगल। ठीक है, तो डिवाइन आपके लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ आ ही गया इस तरह का, मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ में मिल रही है आपको कहीं ना कहीं। और कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में, कुछ लोगों का मैं कहूंगी, सबके लिए नहीं कहूंगी, कि कुछ एंजल्स या यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा पर आप नहीं ले रहे हो, और हो सकता है वो आपका सोलमेट हो। ठीक है, कुछ लोग के लिए, और जो लोग ऑलरेडी कपल हैं, आप अपने सोलमेट के साथ हो, बहुत अच्छी बात है, आपका रिलेशनशिप काफी अच्छा मुझे यहाँ नजर आ रहा है, और आप जिनके साथ भी हो अपने सोलमेट के साथ हो, बहुत अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को कुछ नया मिलना मिल रहा है पर वो नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो शायद अपने पास रिलेशनशिप को लेके बैठे हुए हैं, कुछ नया उनके लाइफ में आ रहा पर वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं, जबकि वो जो पास्ट हो सकता है उससे उनको कुछ ना मिले फायदा हो, बट यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है लेकिन आप देख नहीं रहे, आपके लिए काफी बेहतरीन चीज है, आपका सोलमेट है वो, आपको सोलमेट देना चाह रही है आपका, लेकिन आपको वही वही इंसान चाहिए जो आपको छोड़ के जा चुका है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, कार्ड्स में। चलिए करियर की बात करते हैं, करियर में मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी वेट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, हो सकता है आपने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो, पैसे जैसे यहाँ पैसे बहुत है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करें, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे एग्जाम तो दे दिया है लेकिन रिजल्ट का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग काफी, और कुछ लोग मुझे लग रहा है अपने स्किल अपने पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि अब मुझे सब छोड़ छाड़ के बस अब पढ़ाई में लगना है, कहीं ना सिर्फ पढ़ाई उनकी प्रायोरिटी मुझे नजर आ रही है, उनकी पढ़ाई नहीं कहेंगे करियर, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करते हो मुझे नजर आ रहे हो, और वो चाहते हैं कि उनका करियर पे इतना बन जाए वो अपनी लाइफ चेंज कर दे, इस तरीके का मुझे यहाँ पे कार्ड से वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आप लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे हो सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है इन फ्यूचर आपके लाइफ में, करियर आप, हो सकता है अगर नहीं आपने इस चीज को एक्सप्लोर किया तो जरूर एक्सप्लोर करें कि आपके लिए गवर्नमेंट जॉब भी कहीं ना कहीं काम आ सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसी पोस्ट जिस पे आप लोगों को कमांड है, कोई भी हो सकती है इस तरह की पोस्ट, हायर पोस्ट। ठीक है, जिसपे आप लोगों को कमांड है, ठीक है, लोग आपको सुने फॉलो करें आपको, इस तरह की हो सकती है पोस्ट कहीं ना कहीं, और इस पे भी ध्यान दें कि इस तरह की पोस्ट के लिए कौन कौन से एग्जाम होंगे जिसपे आप हायर पोजीशन पे होंगे और आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये कार्ड आया तो कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है आपको इसके थ्रू, और कुछ लोग मुझे लग रहा है एग्जाम हो चुका है और वेट कर रहे हैं, या फिर अभी तो कुछ लोग काफी अपने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे दिख रहा है पूरा करियर पे ही फोकस है और कहीं नहीं, लव वर्क फैमिली वैमिली सब त्याग कर ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस एक्चुअली अपने आप को बंद कर लिया है पढ़ाई पे, एकदम बस ध्यान है कि कैसे करियर बनाना, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं कह सकते, कुछ लोग करियर कहीं भी बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं और इन्वायरमेंट पे छोड़ के अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है, पूरा टाइम अपना वहीं दे रहे हैं, इस तरह से इस तरह के कार्ड नजर आ रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो करिए, ये भी आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो करिए, क्योंकि काफी चांसेस है कि आप बहुत अच्छा कर सको अपने करियर में। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कीजिए जॉब में। चलिए जॉब की बारी आ जाती है, टेम्परेंस आया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक तो टेम्परेंस काफी अच्छा बहुत पॉजिटिव कार्ड है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस आप में काफी पेशेंस है, एंड जॉब में अच्छी बातें होना भी चाहिए, क्योंकि कई तरह के लोगों से डील करना पड़ता है आपको जॉब में, इनर भी आउटर भी, एंड ये बहुत जरूरी भी है, और या फिर हो सकता है आप इस तरह काम भी करते हो जहाँ पेशेंस, एक्चुअली हर जॉब में पेशेंस की जरूरत होती ही है कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब या तो चेंज होने वाली है, प्रमोशन आने वाला है, क्योंकि द चैरियट आया है ना, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, प्रमोशन आने वाला है, जॉब चेंज ट्रांसफर, तो कहीं ना कहीं ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ नजर आ रही है, डेथ का कार्ड आया है,
डेट का कार्ड आया, ऐसा लग रहा है एक फेज खत्म होने वाला है, आप कुछ न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आने वाली है। जॉब वालों सुन लीजिए, हो सकता है अब कुछ लोग अपने जॉब का देख रहे हैं, तो जॉब में हो सकता है आपको, जो लोग सोच रहे हैं कि अभी मेरी तो जॉब लगी नहीं है, बट किस तरह की जॉब होगी, तो बहुत अच्छी मुझे तो लग रहा है कि आपका इस तरह की जॉब हो सकती है जहाँ ट्रांसफर ज्यादा होता हो, जहाँ पे आपको प्रमोशन जल्दी मिल जाए। द एम्प्रेस है, इट्स जस्ट सेम लाइक अ क्वीन एंड इस टाइप का मजरी फिगर है, तो कहीं ना कहीं आपको आपकी पोस्ट जो भी होगी काफी हो सकता है कि लीडर की हो सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सबकी सुनते हैं, अपने भी एडवाइस देते हैं, सबको मैनेज करते हैं कहीं ना कहीं, तो मैनेजर की तरह हो सकती है कोई पोस्ट आपकी, ठीक है, जहाँ आप सबको मैनेज करें। हो सकता है कुछ लोग मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहे हो आप में से, इस तरह की जॉब आपकी हो सकती है। और कहीं ना कहीं आपका ये फेज, कुछ लोग का जिनका भी नहीं आया है, जॉब नहीं कर रहे हैं, तो ये फेज अब आपका खत्म हो के अब आपकी जॉब कहीं ना कहीं बहुत जल्द लगने वाली है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपके जॉब में मुझे लगता है काफी चेंजेस आने वाले, चूंकि डेथ का कार्ड भी आ गया, चैरियट भी आ गया है, द एम्प्रेस भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं आप हायर पोस्ट पे जाते हुए नजर आ रहे हो, प्रमोशन होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए नीचे जाते हुए तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, आगे बढ़ते हुए प्रमोशन पाते हुए नजर ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जॉब में ज्यादा अच्छा बदलाव आपका आने वाला है, काफी अच्छा बदलाव आने वाला है। और डेथ का कार्ड तो ये बता रहा है कि ये जो फेज चल रहा था, इससे बेहतर ही कुछ आने वाला है, क्योंकि तो खत्म होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, और न्यू बिगनिंग के लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं कि कुछ अच्छा आने वाला है। तो जॉब में ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छे चेंजेस और काफी अच्छे बदलाव आपके आने वाले हैं, और न्यू ईयर भी आने वाला है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में काफी चेंजेस अब आने वाले हों। जॉब जो कर रहे हैं, जिनकी नहीं है उनकी लग जाएगी, और करियर भी काफी, अगर एक्सप्लोर नहीं किया तो करियर आपके लिए कुछ हाई पोस्ट आपके लिए है, वेट कर रहा हाई पोस्ट। और प्लीज ध्यान दीजिए, लव में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ एंटर करना चाहता हो, आना चाहता हो, या आप ही उस पर्सन के ख्याल में, कुछ लोग मैं कहूंगी, अगर काफी टाइम हो गया है आपका पार्टनर आपके लिए नहीं आ रहा है, ये एडवाइस है मेरी पर्सनली आपके लिए, कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए नहीं आ रहा है, आपने काफी हद तक वेट कर लिया है, लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। जब आप उसको नहीं निकालेंगे तो जो आना चाहता है वो कैसे एंटर करेगा आपकी लाइफ में, तो हो सकता है जो अब आने वाला हो, जो आपको छोड़ के चला गया, आपके लिए कुछ नहीं फील कर रहा है, कुछ लोग की बात कर रही हूँ मैं, चूंकि जिनका बहुत लंबा समय हो चुका है और उनका पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये एडवाइस है कि आप लाइफ में आगे बढ़िए, चूंकि ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको कुछ देना चाहते हैं लेकिन आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ लोग की बात हो रही है यहाँ पे, और वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपका पास्ट लाइफ आपके पिछले जन्म से, या फिर कोई हो सकता है जो वापस आना चाहता हो, आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता हो, पर आप अपने सोच थिंकिंग की वजह से आप उसी को सोचे जा रहे हो, आप खुद ही किसी को एंटर नहीं करना, कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है कि नहीं मुझे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, अब मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, धोखा मिलता है प्यार में, इस तरह का माइंड सेट आपने कहीं ना कहीं बना लिया है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे जो नया चीज़ आना है आपकी लाइफ में, तो ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए कहीं ना कहीं कि आप ध्यान दीजिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, न्यू व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वंस अगेन।